पीड़ा कर को मेरी गाड़ी तो रुक गई। माय गॉड, ये किसने किया? ये बच्चे, ये छोरों ने क्या हुआ? ये मैं इनका पसंद। रुको रुको, संभाल के कीचड़ है। आई नो आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया, बट प्लीज बच्चों को मत डांटिएगा, वो बच्चे हैं बेचारे, खेल रहे थे, गलती से हो गया। वैसे आप नागपुर की तरफ जा रहे हैं? हाँ, क्यों? अच्छा अच्छा, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? नहीं, मैं अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता। आपकी खिड़किया है, क्या करूँ, टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। जीपीएस क्यों नहीं चल रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ नेटवर्क नहीं आने वाला है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर बदले में आप मेरी मदद करो तो। देखिए, मुझे नागपुर जाना है, आपको भी नागपुर जाना है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, और आपको देख के भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा सा ही कुछ होगा। नहीं देखिए मिस्टर, अब हमारी एक ही मंजिल है, मंजिल एक है मतलब रास्ता भी एक होगा। आपके पास गाड़ी है और मैं पैदल, प्लीज मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा, आपका एहसान मेरा कल्याण, मुझे खूब 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 आभार होते, प्लीज थैंक्स। अरे दादा, नागपुर के लिए रास्ता ये जाता है? हमें नहीं पता, किसी और से पूछ लीजिए। कमाल है, रास्ते पे दुकान खोल के बैठे हैं और ये नहीं पता कि रास्ता कहाँ जाता है। ओ हेलो, आगे नहीं बैठना, पीछे बैठना है, सरदर्द नहीं चाहिए मुझे। ओके। हे, काम चांगलं केलं तुम्ही, रुक्मिणी कृष्णा को साथ जाने में मदद की आपने। विठ्ठल और रुक्मिणी को मिलाने वाले हम कौन होते? उनका मिलन तो हमेशा से तय था। विठ्ठल विठ्ठल, आखिर में मेरी मदद लेनी पड़ी। राइट राइट तो मैं हमेशा ही होती हूँ। मैंने पूछा राइट या लेफ्ट? ओ राइट राइट। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, ऊपर से इस मुसीबत को भी बिठा लिया। क्या कर रही हो तुम? देखो, मुझे वैसे ही फीलिंग हो रही है कि मैंने तुम्हें बैठा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इस फीलिंग को और मत बढ़ाओ तुम। कला और कलाकार के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। 5 मिनट चुप हो जाइए। सीरियस?
आता बघा. है ना एकदम कड़क. हर बार रोने से अच्छा तो यही है ना कि आप किसी बात का सलूशन निकाल लो. जिस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते उसे बदल देना चाहिए, और जिसे बदल नहीं सकते उसे इग्नोर कर देना चाहिए. शीशा देख के लग रहा है कभी टूटा भी था. हेलो मैम. अरे कहाँ है तू? 10 मिनट से तीनाथ नागा पे वेट कर रही हूँ. कहाँ है? मैम मैं बस पहुंच ही रही हूँ. एक्चुअली आज ना मेरी धन्नो ने अपनी बसंती की इज्जत का ख्याल ही नहीं रखा. बीच रास्ते में टायर पंचर हो गया. सभी तू मुझे बस ये बता कि मैं पक्का बस पहुंच ही रही हूँ. कब से पहुंच रही? तो एक काम कर, तू अभी मुझे वीडियो कॉल कर, मैं भी तो देखूं तू कहाँ है. अच्छा ठीक है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ. कहाँ है तू? ये देखिए मैम, मैं रास्ते में हूँ, मैं बस पहुंच ही रही हूँ. सभी ये तेरे साथ कौन है? मैं एक भले आदमी की गाड़ी में आ रही हूँ जिसका दिल भी बहुत ज्यादा बड़ा है. वो एक अकेली लड़की को सुनसान रोड पे उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने लिफ्ट दे दी, और मुझे रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ी. सभी प्लीज जल्दी आ जा, मैं और नहीं रुक पाऊंगी. ओके ओके मैम. और स्ट्रॉन्ग. आई सेड स्ट्रॉन्ग. Or strong. Or strong. Oh my God. इतनी strong coffee. क्यों? रात को नींद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं बस ऐसे. अच्छा लगता है अपने किसी boyfriend को miss कर रही होगी. होता है होता है. अब नया शहर नया college. किसी की तो याद सताएगी ना. कोई तो ऐसा जरूर है जिसे आप चाहते हो कि वो आपके साथ हो, लेकिन वो अभी आपसे दूर है. तुम दोनों भी ना कुछ भी बोलते हो. तो फिर आप काम की बात कर ले. हाँ. आज कॉलेज के बाद तुम हमें गेट नंबर 3 पर मिलना. शाम को हम सब साथ में शॉपिंग पे जाएंगे. डन डन. ग्रेट. बाय बाय बाय. A very good morning to you. अपनी गाड़ी तेज चला के साथ में कोई गाना गा के फिर झटके से ब्रेक लगा के कॉलेज में वो आए हैं. सोच रहे हैं कहाँ को जाएं. सहमे हैं, घबराए हैं. हाय. मेरी तो सुबह ही नहीं होती इनकी आवाज सुने बगैर. यार एक बार और सुना देना प्लीज. तय इसकी आवाज ना किसी नशे से कम नहीं है. एक बार सुन लो बार बार सुनने का दिल करता है. क्या मिले तुझे? गाली तो मिली थी फिर भी इतना मिस कर रही. नहीं बस पहुंचने ही वाला हूँ मैं. तुम बताओ तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? थोड़ा बेहतर हो सकता था. मुझे है ना आज असेंबली नहीं हुई तो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है. एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि हमारे कॉलेज में असेंबली होती है? तुम्हारा तो आज कॉलेज का पहला दिन था ना. बाबा क्लासेस का पहला दिन है, कॉलेज का पहला दिन तो कल था. और किसी की इतनी इंटरेस्टिंग सी स्पीच सुन के तो मैंने फैसला किया कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है. रियली? एक स्पीच सुन के तुमने फैसला ले लिया? कुछ फैसलों में वक्त नहीं लगाना चाहिए.
अकेली नहीं हो जो तुम्हारी स्पीच को दिल से मिस कर, यहाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं। इसका मतलब तुम असेंबली को मिस कर रहे हो? यस। ओके, सो तुम असेंबली को मिस कर रही थी, असेंबली में स्पीच देने वाले इंसान को नहीं, राइट? फिलहाल तो मुझे ये क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, है ना? बाय, आई टॉक टू यू लेटर, है ना? बाय बाय। दूसरे ग्रह का प्राणी तो नहीं है, हंसता तो है, लड़की से तो इतनी अच्छे से बात कर रहा था। तुमने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? नहीं। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? अरे अरे अरे, रोक दो रोक दो रोक दो, मुझे यहीं पे उतरना है। एक सेकंड, तुम्हें तो नागपुर जाना था ना? हाँ, नागपुर जाना था, लेकिन आप कैब ड्राइवर थोड़ी हो कि एकदम मतलब लोकेशन पर ही ड्रॉप करेंगे। एक्चुअली मेरी कॉलेज की बस यहाँ वेट करी, तो यहाँ से मैं अलविदा जाऊंगी, ठीक है? आपको रास्ता भी समझा देती हूँ। नाक की सीट पे एकदम सीधा सीधा जाते रहना, आप नागपुर पहुंच जाएंगे। और याद रखिएगा, नाक एकदम सीधी ही रखना, अगर इधर उधर घुमाई ना तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। अब थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी की? तो आपका शीशा एक पत्थर की वजह से टूटा था ना? हाँ, तो वो पत्थर एक गुलेल में था। ओके, तो वो गुलेल मेरे हाथ में थी। क्या? हाँ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। मतलब अभी नहीं है मेरे पास पैसे, लेकिन अब जब भी आएंगे तब पक्का पक्का दे दूंगी आपको। एक सेकंड, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें... सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जानती हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मुझे डांटने का मन कर रहा होगा, लेकिन सबका कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ जिस दिन आईएएस बनूंगी ना, सबसे पहले आपको दूंगी और ये शीशे के पैसे दूंगी। आपकी गाड़ी का नंबर मैंने नोट कर लिया है, क्या ना आपको भी गिल्ट नहीं होना चाहिए ना कि बेचारी लड़की को किसी ने डांट दिया, तो गिल्ट नहीं चाहिए। और जीपीएस चालू कर दीजिए क्योंकि नेटवर्क आ गया। ओके, थैंक यू, बाय। रुको, कहा था ना मैं आऊंगी, देखा आ गई। कसम से सभी, तू नहीं आती तो हमारे जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब तो उम्मीद है ना? उम्मीद क्या, अब तो पूरा विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। मुझे तो लगा तू आ ही नहीं रही। सभी ने कहा सभी आएगी, मतलब सभी आएगी, सभी सवाल जीती पक्की सवाल। कहाँ रह गई थी? So sorry ma'am. Actually, पहले बढ़िया जी, फिर स्कूटी, फिर वो चिड़किया। Fill in the blanks में खेलना बंद कर। बढ़िया जी और स्कूटी की स्टोरी तो समझ में आती है। अता चिड़किया कौन है? नहीं, वो चिड़किया वापस तो नहीं आ गया? क्या कांड करके आई? नहीं मैम, बहुत देर हो रही है ना, ऊपर से मैं भी लेट हो गई, पहुंचना, चलो चलो जल्दी चलो। ओके ना, लड़की थी आतंक, दोबारा मिलेगी ना छोड़ूंगा नहीं। से गाड़ी मैनिपुलेटर, तेरी गाड़ी का कांच फोड़ दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।